नमस्कार, मैं अशोक ईश्वरदास रोहाणी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये भैया की राम प्यारी के लिए, राम प्यारी लेकर लेके जाएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है, कहीं पेट्रोल खत्म होता है तो कहीं पंचर होती है गाड़ी। Hey guys, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूं आपका दोस्त आकाश प्रियो, संस्कार दानी छोड़ोगे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम अभी आए हैं वर्कआउट करने के लिए। वर्कआउट मतलब ये पूरा ओपन जिम बनाया है, सब कुछ है भाई, मतलब मल्टी है, मतलब ये है पुली है और बेंच प्रेस भी है एंड डंबल्स भी हैं। सो सभी मिल जाएगा, लाइट भी पीछे, अच्छा लगता है। सो गाइस, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। मतलब काफ़ी मेहनत के बाद भाई ऐसा बन के तैयार हो गया, बहुत मेहनत। और अपने वॉल पेपर बनाए रहे जो पीछे बैकग्राउंड में घर में भी इसी का बनाया। तो भैया आज वर्कआउट में क्या मारे हैं आज? चेस्ट मारेगा, छाती मारेगा आज भाई, थारा भाई छाती मारेगा, छाती। तो फटाक से मारते हैं, घर में जाके सोएंगे और कल मॉर्निंग में जल्दी उठ के सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं मालूम है ना आप लोगों को? वोटिंग करने जाना है ना वीडू, किसको जिताना है, क्या खिलाना है, बाकी सब आपको मालूम है क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। और मुकदर मारना चालू, मतलब वर्कआउट चालू। तो महीने भर बाद ना हम लोग वर्कआउट करना चालू कर रहे हैं क्योंकि भाई बॉडी में ना बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी आ रही है, ठंडी आएगी तो मांसपेशी है कहीं ये कहीं काड़ करेगी, सुकड़ेंगे, इसलिए भाई मतलब बॉडी को ना तकलीफ देना चालू करेंगे। जितना बॉडी को तकलीफ देंगे उतनी बॉडी आपका साथ देती है। चलो भैया मिलते हैं ना, चलो मिलते हैं। चार सही था, मैं चार लोग अलाउड नहीं है या चार लोगों को लेके चल जन बच्चे से है तो बिल्कुल। और ये गलत है यार, ये गलत बात है, गलत बात है। अच्छा भैया हमारा नेता कैसा हो? अशोक भैया जैसा हो। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? गए कि नहीं गए चुनाव हो गए वोट डालने के लिए, कमर खिलाने के लिए गए कि नहीं गए पब्लिक? क्या बोलती, कौन जी कौन जीतेगा? कमल। भाई साहब देखो कमल की लहर ज्यादा है, अब हम भी अब जाते हैं नहाते धोते हैं और फटाक से ना वोटिंग डालने आएंगे। यहाँ पर कौन सी ये वाली उंगली में ना, ये वाली उंगली में निशान और ऐसे में थंबनेल लाएगा ऐसे में भाई साहब। और तुमको अभी थोड़ा 18-17 साल बचे हैं तुमको पहले के हिसाब से। मिलियन में कर लो ना। हाँ मिलियन, हाँ मिलियन, ये सही बोले यार, मिलियन कर लो, 1 बिलियन कर दो इनके। और आपको बिलियन किसके हैं? अरे भाई बस कर, सिल्वर प्ले बटन मिले, प्ले बटन मिले, प्ले भाई जल्दी से करना यार, नहीं सब मिल जाएगा, फटाक से जल्दी करना, नहाए धोए फिर कमल को खिलाना है कि नहीं खिलाना है? कमल को खिलाना है भाई, फटाक से नहाते धोते हैं उसके बाद फिर वोटिंग करने जाते हैं। अभी मम्मी पापा गए, मम्मी पापा आ जाए इसके बाद हम जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी वोटर डालने के लिए, पीछे है सुबीलाल क्योंकि इसलिए ना पहली बार वोटर डालने जा रही है ना, पहली बार वोटिंग है ना, फर्स्ट टाइम वोटिंग डालने आ रही है। जब वोटिंग डालते हैं तो वहाँ तो रिकॉर्डिंग करने मिलता नहीं है क्योंकि वो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। अरे क्या बात है रानी बेटी, हाँ अच्छा ये तो कुछ जाना पहचाना कलर है, और आ रही है पीछे, डाल दी ना वोट, बहू को साथ में लेके आना चाहिए। तो वोटिंग वोटिंग हो गई है,
और ये हो गई वागी साहब, चाची भी आई थी, वाइफ भी आई थी। सुबह का पहली बार है क्या सुबह? कैसा लगा? बढ़िया। समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा पर्ची निकली थी, पर्ची निकली थी ना पर्ची। अरे अशोक भैया जिंदाबाद, कैसे हैं भैया? अच्छा लग नहीं रही कहीं से कि ये वोट डालने लायक लड़की है, क्यों बिल्कुल ऐसा स्कूल में पढ़ने वाली लड़की लग रही है अभी। एक दादा ने बोले इसको, बोलते हैं कि यार बेटा मतलब कितने साल की हो गई है, इसके डालो अपन फेसबुक में डालेंगे ना। हाँ भाई ये बात भी है भाई, बाकी सब हाँ सबसे कम उम्र की, अब भी 18 साल की हुई है, अब भी कल ही 18 साल की हुई है और आज वोट डालने आ गई है। ये भाई पूरा यहाँ पर चल रहा है भैया, पूरे कार्यकर्ता यही है। क्यों कौन से प्रभारी? 80 भूत क्रमांक 80 के पूरे प्रभारी यही है। अरे साहब यहाँ पर और मैडम क्या हाल चाल? ठीक है लगी काम धाम में? लग रहे ना काम धाम में, ठीक है किसी की वोटिंग कट है ना? हाँ पूरा जिम्मा आप ही के ऊपर है। दीदी लोग दो शब्द क्या, दो शब्द बोलती है उनने, दो ही शब्द। हाँ बहुत बहुत शुभकामना। ये लो आपने वोट डाल के आया ना, ये लो पेट भरेगा। आओ बैठो जल्दी भाभी सही करो, बैठो जल्दी से, आओ जल्दी से बैठो। अरे अभी ये भैया की राम प्यारी के लिए राम प्यारी में बैठा के लेके जाएंगे, जल्दी। धूप नहीं लगनी चाहिए, जल्दी से जल्दी। अरे मैं किसी और को बोलूंगा क्या बात है सर, क्या बात है सर? बोलो ऐसा नहीं भैया से, भैया भाभी से ऐसा बोलो हमारी राम प्यारी में आके बैठो। हाँ एक बार बोल दो आगे बैठे आएंगे। ओ मेरी प्यारी तो, अरे बैठते जा, अरे बैठ जाओ भैया इतने प्यार से बुला रहे हैं, गजब बेइज्जती है। 4 hours later बाबा क्या हाल चाल, कैसा रहा दिन? बढ़िया था सर, नमस्कार। अरे दो नंबर की बटन में। तो अभी जा रहे हैं सभी लोग मतलब कि विधायक जी के यहाँ, अशोक रोहाणी जी के यहाँ जा रहे हैं सभी। तो मतलब पूरी टीम देखो, जितने भी बूथ प्रभारी हैं, बूथ वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं, भाई साहब क्या हालचाल? सो गाइस फाइनली यार आज का दिन तो खत्म हुआ और अभी जितनी भी पैनल है, मतलब पैनल बोले तो अपने तो ब्लॉगिंग जो उसमें बोलते हैं ना, तो पैनल बोलते हैं मतलब पैनल अपने इसको बोलते हैं पैनल, और बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी लोग जा रहे हैं मानश्री अशोक मतलब रोहाणी जी के यहाँ जा रहे हैं, और मतलब मिलने जा रहे हैं, उनको सौंपने जा रहे हैं कि कितनी परसेंट वोट डली है, ये सब वो सब मतलब और भी चीज़ रहते हैं देने जा रहे हैं। तो भाई साहब जिसका भी सर्वेशन तैयार रहता ना, वो फाइनली आज का दिन ख़त्म हुआ और मज़ा आया आज का दिन, फन किए, मस्ती किए, क्योंकि दिन भर से लेकर मतलब सुबह से लेकर शाम हो गई और बस मस्ती करे जा रहे, नए नए लोग से मिलते आ रहे। ये देखो हमारे युवा वरिष्ठ दादा। अरे वाह यार ठंड लग रही है, कब कब आ रहे हैं? अरे कुत्ते। अरे डॉगी आज नहीं आ रहा गाड़ी के नीचे। अच्छा अरे वाह यार युवा ही है अभी भी, देखो दाढ़ी पर सफेद है बाकी तो अभी, हाँ दाढ़ी पर सफेद है बाकी अभी युवा है। हाँ अच्छा अरे तुम लोग अभी आ चुके हैं, ये कार्यालय रोहाणी जी का कार्यालय है। चलो भाई अभी इन्हें देखो आते ही सबसे पहले इन्हें लेना चालू कर दिया, बिरयानी खा रहे हैं नॉर्मल बिरयानी है। हाँ बाकी जब पूरी टीम आई हुई है और अरे भाई साहब हमारे सोनू भैया भी, हाँ भाई हाँ भाई पूरी पैनल सभी आए हैं। आइए सर। नमस्कार मैं अशोक ईश्वरदास रोहाणी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस यज्ञ में आपने मतदान करके अपनी आहुति दी। मैं सभी कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कठिन परिश्रम करके कैंट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने में अपना सहयोग प्रदान किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूरी टीम जो आई है ना, जो रांची क्षेत्र से भी है, पूरी टीम है, अलग अलग बूथ वाले हैं, सभी हैं, 80 वाले हैं, 69 वाले हैं, सब जितने भी हैं सभी आए हुए हैं यहाँ पर, और हमारे यहाँ के जो पार्षद जी हैं वो भी बैठे हुए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
तो अशोक इस बार दास रोहाणी जी के ऑफिस से कार्यालय से अब निकलते हैं सीधे घर की ओर और सभी बहुत से लोग जा चुके हैं और बहुत से लोग अभी बचे हुए हैं साथ में चल रहे हैं। बाकी सब मज़ा आ गया, अच्छा काम हुआ, शांतिपूर्वक चुनाव हो गया और मतलब कि बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं ये है कि अपने जो रांची क्षेत्र में ना बहुत ही शांति स्वभाव टाइप में ना चुनाव हो गए और भी जगह मतलब कि जैसे न्यूज़ में देख रहे थे न्यूज़ में यार कहीं गौरिया चल रही कहीं यहाँ चल रही, जबलपुर में बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हो चुके हैं। कभी कभी ये भी देखना पड़ता है, ये दिन भी देखना पड़ता है, पेट्रोल नहीं रहता है, कभी कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, कभी कभी खुद का ध्यान नहीं दे पाते पेट्रोल, कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये होता है, कभी कभी टोचन भी करना पड़ता है। अब देखो जैसे भाई सोनू भाई का पेट्रोल खत्म हो गया, मतलब पेट्रोल नहीं उनका खत्म नहीं हुआ, उनकी गाड़ी का खत्म हो गया है। जय हो पाट बाबा भगवान की जय। कड़ाके ठंडी में और साहू जी के यहाँ की चाय मजा आता है। हाँ ठंडी तो है, चेस चेस पीने के और पीने के बाद चेस। और ये निशान भाई अगले साल फिर से अगले साल फिर से गाए ये दो महीने बाद फिर से लोकसभा का चुनाव है भाई साहब, फिर से ये आएगा तो माले में कौन आएगा भाई, वो शेर एक ब्रांड है भाई, वो ब्रांड है वापस आएगा। क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है, कहीं पेट्रोल खत्म होता है तो कहीं पंचर होती है गाड़ी, कोई बात नहीं हमारे में आ जाओ अंकल आप। देखो भाई पहले समस्या ऐसी आई कि सानू भाई की गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, अब ये समस्या है कि गाड़ी में मतलब गाड़ियाँ पंचर हो गई भाई साहब, बड़ी समस्याएं हैं। और पीछे बैठो सानू भाई, थोड़ा और पीछे बैठो, हाँ अगले अगले में मतलब कि वो नहीं बनना चाहिए प्रेशर। तो एवरीवन अभी घर पहुंच गए और घर पहुंचे तो भाई भाई सानू भाई की गाड़ी में भाई साहब क्या हुआ भाई, हालत खराब, उफ बस उफ ही निकल रही थी। देखो सानू भाई की राम प्यारी में एक्चुअली पहले पेट्रोल खत्म होने के बाद क्या हुआ, वो हुआ था अपना वालवाड़ी में पहले पंचर, फिर उसके बाद जब हवा भरवाने के लिए गए उसके बाद देखे अरे वालवाड़ी खत्म भाई साहब, फिर ऐसे पीछे पिछाड़ा ऐसे करके भगते आए। कोई दिक्कत नहीं, आज का दिन बढ़िया रहा, दो नंबर में सबने बटन दबाया और ये वाला जो बूथ था 80 वाला ना सबसे ज़्यादा वोटों में मतलब नंबर वन में आया, वोटिंग में ना वोटिंग में नंबर वन आया भाई साहब, मजा आ गया। बाकी साहब कितना 76% गया, बाकी सब बढ़िया था भाई। आज बस 3 तारीख का वेट है, बाकी साहब आज ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं वीडियो, आई होप की पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। जय श्री राम।